देखिए दोस्तों कैसे बनता है YouTube का थंबनेल। सबसे पहले आप क्रोम खोल लीजिएगा, ठीक है। क्रोम खोलने के बाद क्रोम खोल लिया, यहाँ पर आप लिखिएगा YouTube.com, ठीक है। YouTube.com आ गया। YouTube.com खोलने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा ओके, जहाँ पर लॉगिन का साइन होता है, ठीक है। साइन करने के बाद देखिए मैंने किस प्रकार बनाया है, इस प्रकार आप ईमेल है आपका जोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, देखिए इसे माई चैनल दिया हुआ, माई चैनल पर जा सकते हैं आप, ठीक है। ट्रेडिंग पर जा सकते हैं, ये इस प्रकार मेरा वीडियो है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आप क्या करिएगा, यूट्यूब स्टूडियो पर जाइएगा। यूट्यूब स्टूडियो आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, देखिए मैंने पहले ही स्टोर कर लिया है। यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो ओपन मैंने कर लिया। ओपन कर लेने के बाद आप क्या करिएगा कि देखिए ये सब मैंने किया हुआ है। अगर इसको थंबनेल जैसे जोड़ना है, बाय द वे मुगल हिस्ट्री में जोड़ना है, तो मुगल हिस्ट्री में गए, ठीक है। इस पर टिक किए, टिक करने के बाद फिर एडिट थंबनेल पर जाएंगे। एडिट थंबनेल में आप जो रखना चाहते हैं, जैसे मैंने ये दिया, तो ये कर सकते हैं। यहाँ कस्टम थंबनेल है, कस्टम थंबनेल नेल में जो मोबाइल के अंदर आपका जो सेव है, आप किसी को भी चुन सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इसको मैंने लिया तो ये आ गया, लेकिन मैं लेना चाहता हूँ ये, तो आप ये ले लीजिए। अब फिर इसको क्या करिए, सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सेव कर दीजिए, तो सेव करने से अब ये सेव हो गया। देखिए अभी सर्कुलेशन कर रहा है, ठीक है। अभी देखता हूँ कितना देर में होता है, बस अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा ओके दोस्तों। काफ़ी समय ले रहा है, प्रॉब्लम सेविंग कर दिया है। फिर से मैं इसे सेव करूँगा, आप इसमें एडवांस सेटिंग दे दिया हुआ, आप ये सब एडवांस सेटिंग में जैसे क्या बच्चा के लिए है कि नहीं है, जिसमें कोपा लॉ बना हुआ है, ठीक है। कोपा लॉ बच्चा से है संबंधित है, जिसमें अगर ये बच्चा के लिए है तो बच्चा देख सकता है, अगर बच्चा के लिए नहीं है तो इसमें ऑप्शन है जो बच्चा नहीं देख सकता है। इसमें डिस्कार्ड आ गया है, तो डिस्कार्ड तो हमको नहीं करना, पीछे जाइएगा, फिर से आप थंबनेल पर टिक करिएगा। आप इसमें जा कर के किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय द वे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन है, अब इसको क्या करके सेव कर दीजिए कि सेव हो जाएगा। इस प्रकार थंबनेल बन गया है, ठीक है। अब इसको आप बदल भी सकते हैं, वेल मैं इसको नहीं रखना चाहता, अब और इसको आप चाहे तो दूसरा बदल सकते हैं। थंबनेल को मैंने बदलना चाहा, देखिए बदल दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर से सेव करेंगे। तो आपको लेकिन ये भी बात है कि उस वीडियो में वो थंबनेल होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार देखिए आप सेव हो गया, इस प्रकार आप थंबनेल बना सकते हैं मोबाइल पर। थैंक यू।